गाइस, कल ना बहुत सारा डिस्कशन हुआ भैरवा कैरेक्टर को लेकर के, खास तौर पे ओके डार्लिंग प्रवास के कैरेक्टर को लेकर के, कि वो आगे चल करके कल्की हो पाएंगे कि नहीं, कल्की वो है कि नहीं, किस तरह से वो लिंक हो सकता है ओके, और कुछ ऐसी चीजें पता चली जो कि कन्विंसिंग लगा। और भाई मैक्सिमम परसेंट वो चांसेस है कि ऐसा कुछ हो सकता है बोलकर के, इसी वजह से मैं ये वीडियो पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली में हमें भैरवा के कैरेक्टर में क्या देखने को मिलता है, ट्रेलर में जितना हमें पता चला कि वो एक बाउंटी हंटर है ओके, उसको 1 मिलियन यूनिट चाहिए कॉम्प्लेक्स जाने के लिए, बस उसका वही मकसद है। इसी वजह से वो दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ा है, दीपिका पादुकोण को वो पकड़ेगा और कॉम्प्लेक्स के रेडर्स को वो सौंप देगा, उनसे $1 मिलियन लेकर के सीधा घुस जाएगा कॉम्प्लेक्स में, आराम से जिंदगी बिताएगा, उसका यही मकसद है ठीक है ना। और ट्रेलर को हम देख करके हम यही मतलब समझ रहे थे, ये महसूस कर रहे हैं कि वो आगे चल करके उसका मन परिवर्तन हो जाएगा, वो अश्वत्थामा का साथ देगा और वो कॉम्प्लेक्स के रेडर के साथ लड़ेगा और मतलब अश्वत्थामा की लड़ाई में वो जुट जाएगा, कुछ ऐसा हमें एहसास होता है। तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है मेरे दोस्त की, भैरवा की ऐसी क्या मजबूरी होगी, ऐसी क्या सिचुएशन होगा जो कि उसका मन परिवर्तन होगा, उसके लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान है क्या जो कि जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अभी तक वो जो BNB एनिमेटेड पीलोड जो आया उसमें हम भैरवा के कैरेक्टर को देखे, ट्रेलर में कैरेक्टर को देखे भैरवा के कैरेक्टर को, तो भैरवा के कैरेक्टर में बस एक ही मजबूरी है, उसकी कमजोरी बस एक ही है कि वो वन मिलियन यूनिट जो है वो कमाएगा और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, उसकी कमजोरी बस वही है और कोई नहीं है। उसके जीवन में कोई ऐसा एक कैरेक्टर नहीं है जिसके लिए उसका मन परिवर्तन होगा। काशी के लोग हैं क्या? नहीं, उसको तो पता है पहले से कि काशी के लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे ओके, तो उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बस उसके लिए है ब्रह्मानंदम सर के लिए, वो तो रूममेट है ओके, वो तो खुद उसको उसका किडनी बेचने के लिए भी तैयार है। फिर दिशा पटानी है क्या? नहीं, दिशा पटानी भी नहीं है, दिशा पटानी खुद बोल रही है कि तुम बस अपने बारे में ही सोचते हो, वो एक सेल्फिश इंसान है भाई, तो उसके लाइफ में ऐसा कोई कमजोरी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए उसका मन परिवर्तन होगा, तो आखिर में होगा क्यों ओके। तो गाइस उसकी आखिरी दम तक उसका परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसका बस यही सपना रहेगा, भैरवा का बस यही सपना रहेगा कि वो 1 मिलियन यूनिट कमाएगा और वो कॉम्प्लेक्स जाएगा ओके। तो अभी हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। भाई दीपिका पादुकोण के गर्भ में जो बच्चा है वो एक्चुअल में कल्की है, वो एक्चुअल में भगवान है और वही कली का विनाश करेगा। गाइस ये कोई ऑर्डिनरी फिल्म नहीं है जैसे कि राजा महाराजा टाइप का या फिर अभी के टाइम के जो फिल्में आती है, वैसा वाला फिल्म नहीं है कि दीपिका पादुकोण के से बच्चा मतलब उसके गर्भ से एक बच्चा जन्म लेगा और 25 सालों तक वो ट्रेंड करेगा, 25 सालों तक वो बड़ा होगा, उसके बाद जाकर के कली से बदला लेगा, ये ऑर्डिनरी कंसेप्ट है ठीक है ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म है भाई, अश्वत्थामा 25 सालों तक वेट नहीं करेंगे वो बच्चे को बड़े होने के लिए, जो कुछ भी होना है यही 2898 AD में ही होना है, अभी के टाइम पे ही होना है ओके। तो वो बच्चा जो है ना बड़ा होने का कोई एक गुंजाइश नहीं है, और हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं भगवान की एंगल को, भगवान को ओके। 2898 AD से मतलब नाग अश्विन एक इवेंट पे बता रहे थे कि 2898 AD से 6000 साल पीछे जाएंगे, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के आखिरी समय तक जाएंगे ये तोड़ को निकालने के लिए। अभी जो प्रॉब्लम, अभी जो समस्या हो रही है, जो दुनिया पूरा का पूरा नाश हो चुका है, बस काशी बचा है, तो उस मतलब उसको बचाने के लिए पीछे जाने वाले हैं ये तोड़ को निकालने के लिए ओके। तो भगवान से ही वो शक्ति आएंगी, भगवान से ही वो मदद आएगा, जो कि शायद ऐसा होने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वहां पे मेंशन भी किया जा रहा है, कोई बच्चा कोई संतान ऐसा नहीं बोला जा रहा है, एक जीवन है, एक सांस है दीपिका पादुकोण के गर्भ में, तो वो जीवन जो है तब्दील होगा शायद भैरवा के कैरेक्टर में, भैरवा के शरीर में, और भैरवा वैसे ही चमत्कार तरीके से भैरवा से कल्की बनेगा, कुछ इस तरह का हो सकता है दोस्त, मतलब कल्की का अंश, कल्की का जीवन जो है भैरवा के शरीर में आएगा ओके, और भैरवा मरते दम तक नहीं बदलेगा, जब वो चमत्कार जब होगा मतलब कल्की का अंश उसके अंदर जब आएगा तभी वो बदलेगा और तभी अश्वत्थामा का साथ देगा, और तभी अश्वत्थामा और कल्की मतलब भैरवा दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स के रेडर्स के साथ लड़ेंगे, कली के साथ लड़ेंगे मतलब सुप्रीम यास्किन के साथ लड़ेंगे, कुछ इस तरह का होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये फिल्म जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म है। यहाँ पे 25 सालों तक ट्रेंड करना, कोई 25 सालों तक बड़ा होना, हीरो बड़ा होगा उसके बाद बदला लेगा, ऐसा वाला सीन नहीं है, जो भी होना है इसी टाइम पे ही होना है, क्योंकि
दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, काशी के लोग भी मरते मरते बच रहे हैं और काशी शहर ही बचा हुआ है। ओके, जो भी होना है अभी होना है, 25 सालों तक वेट करेंगे तो काशी भी नहीं रहेगा, पूरी की पूरी दुनिया नाश हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स ही सब कुछ रहेगा, मतलब सुप्रीम यास्किन ही सब कुछ रहेगा और भगवान का कोई अंश ही नहीं रहेगा। ओके, तो जो भी होना है अभी होना है, तो वो चमत्कार तरीके से होगा। और इस बात को क्लैरिफिकेशन देते हुए हमें पहले देखना पड़ेगा वो पोस्टर को, मतलब जो डार्लिंग प्रभास की पहला वाला जो पोस्टर आया था ना, जो उनका हाथ वाला, उसमें क्या लिखा था मेरे भाई, वहां पे लिखा था कि हीरोज आर राइस नॉट बॉर्न, ऐसा कुछ लिखा था, है ना, कि हीरो पैदा नहीं होते हैं वो उदय होते हैं, ठीक है ना, हीरो पैदा नहीं होते हैं वो उदय होते हैं, मतलब भैरवा ही हीरो है जो कि बाद में उसका उदय होगा, उसका परिवर्तन होगा उसके अंदर, मतलब उदय होगा मतलब वो सूरज की तरह, ओके, उदय होगा, वो राइज होगा, हीरो पैदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो वो भैरवा को ही जस्टिफाई किया गया था, तो भैरवा के साथ ही ये चमत्कार होगा जो कि वो कल्की में तब्दील होगा, कल्की का अंश उसके अंदर आएगा, भगवान का अंश उसके अंदर आएगा, तभी उसका मन परिवर्तन होगा और वो अश्वत्थामा का साथ देगा और संभाला के रेवल्स के साथ साथ पूरी दुनिया को वो बचाएगा, कुछ इस तरह का कंसेप्ट हो सकता है दोस्तों। ओके, ये हमारा डिस्कशन था कल रात, मतलब कुछ भाई लोगों के साथ, और मुझे ये ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी लगी, ऐसा कुछ लगा, क्योंकि भाई कल्कि 2980 मूवी का हीरो डार्लिंग प्रभास ही है, उनके इर्द गिर्द ही फिल्म को घुमाया गया है और उनको ही हीरो जस्टिफाई किया गया है, तो कल्कि तो कोई और नहीं बन सकता है ना, और कल्कि अगर कोई और बनेगा तो 25 सालों तक फिर ये मतलब इंतजार करना पड़ेगा, तो अश्वत्थामा 25 सालों तक इंतजार करेगा और सुप्रीम यास्किन 25 सालों तक चुपचाप बैठेगा क्या? नहीं, 25 सालों के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कुछ भी होना है अभी के अभी होना है, तो अभी के अभी होना है तो चमत्कार होना बनता है, चमत्कार ही होगा और भगवान ही आएंगे और चमत्कार ही करेंगे। ओके, इसी वजह से 6000 साल पीछे भी इन लोगों को जाना है। ओके, और हीरो का उदय होने वाला है, हीरो का पैदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो भैरवा के कैरेक्टर में ही कल्कि भगवान की जो जीवन है एक्चुअली दीपिका के गर्भ में, जो भगवान है एक्चुअली दीपिका के गर्भ में, उसका अंश आएगा भैरवा के कैरेक्टर के अंदर, भैरवा के शरीर के अंदर। ओके, और तभी वो अश्वत्थामा का साथ देगा और अश्वत्थामा और भैरवा मिल करके सुप्रीम यास्किन के साथ लड़ाई करेंगे, कुछ इस तरह का होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, या फिर कुछ और सोचे हैं नाग अश्विन जी जो कि और भी ज्यादा खतरनाक लगेगा, क्या पता। ओके, लेकिन ये होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसी वजह से मैं आपको बता दिया। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना?